नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल गरिमा IAS में स्वागत करता हूँ। भारतीय भूगोल में जो शेष भाग रह गया था, हम लोगों को जो भौतिक परिचय जो देख रहे थे, भारत का भौगोलिक परिचय, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के जो तटीय राज्य जो है, तटीय सीमा में सटे जो राज्य हैं उनके बारे में। तो उनसे आगे अब हम लोग देख लेते हैं, चलिए हम उसको देखने का प्रयास करते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हम बताए थे शीर्ष पांच तट वाले राज्य जो है थे केंद्र शासित प्रदेश या उन राज्य, उनमें आपको यहाँ पर हम दिखाए थे किन प्रकार से कि यहाँ पर राज्य है, केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नीचे की ओर दिए गए हैं। अंडमान निकोबार तो केंद्र शासित प्रदेश है और तो सारे राज्य ही हैं। और यहाँ पे उनके तट की लंबाई दिखाया गया था। सबसे ज्यादा जो है, अगर द्वीप को अगर हटा दिया जाए तो हम बताए थे गुजरात है, उसके बाद तट सबसे लंबी तट वाला राज्य जो है गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। और उनकी लंबाई क्रम से यहाँ पर दिखाई गया, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार का 1962 किलोमीटर में, और गुजरात 1074 किलोमीटर में, आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, तमिलनाडु 907 किलोमीटर, महाराष्ट्र जो है 720 किलोमीटर। ठीक, हम लोग अगले पेज में तक चलते हैं। इसमें हम लोगों को दिखाया गया है कि पेज नंबर 6 है, और इसमें दिखाया गया है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रमुख बारे में बताया गया है जो कि भारत के पड़ोसी मुल्क ही हैं। इसमें देश एक तरफ दिखाया गया है, दूसरी तरफ सीमा रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाता है। इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कब निर्धारित की गई थी, 27 अप्रैल 1914 को। और मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा इतिहास में हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से। ठीक, अब दूसरे पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन जिसको हम बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को इसको निर्धारित किया गया था। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है वो डुरंड रेखा बोलते हैं, डुरंड रेखा। इसका विभाजन से पूर्व, विभाजन पूर्व जो हुआ था, यह रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। ठीक, डुरंड रेखा जो है यह विभाजन के पूर्व की स्थिति है। और यह डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था, विभाजन से पूर्व, अर्थात भारत पाकिस्तान का जो विभाजन नहीं हुआ था उस समय का बात है। और वह पाकिस्तान अभी जो है वर्तमान में यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो कौन सा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है कौन सा, डुरंड रेखा। यहाँ पर भारत इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि उस समय जो है पाकिस्तान विभाजित नहीं था, अर्थात पाकिस्तान भी उस समय भारत ही था। ठीक, अगले देखते हैं कि प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य के बारे में। इसमें देखते हैं विभाजित खंड है, ठीक, और इसमें चैनल घाटी है। ठीक, इंदिरा इंदिरा पॉइंट जो है, या इंदिरा पॉइंट जो है, या इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट आप लोगों को दिखाए हैं ऊपर में, ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है ये हम आपको दिखाते हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में जो है ग्रेट चैनल है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इंडोनेशिया को दिखा देते हैं। आप लोग देख लीजिए, यह जो है वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा और जूम करते हैं। आपको ये जो दिख रहा है, आपको तो ऊपर अंडमान निकोबार तो हम दिखाई दिए हैं ऊपर वाले फिगर में, यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, और यहीं पे आपको इंदिरा पॉइंट है, और यह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, ये इंडोनेशिया का भाग है, और इन्हीं के बीच में जो है, इन्हीं के बीच का जो वो स्थल था। ठीक, यह जो लाइन है, यह जो बीच का जो खंड दिखाई दे रहा है आपको भाग, उसी के बारे में जो है बताया गया है। तो चलिए हम लोग उनको देख, तो आप लोग क्या समझे हैं कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है ग्रेट चैनल, आप लोगों को फिगर में हम दिखा दिए हैं। अब लघु अंडमान की बात करें, लघु अंडमान है, अब लघु अंडमान की बात करें और कार निकोबार, तो आप लोग फिगर में देखिए ऊपर जाके, और लघु अंडमान को उसमें देखिए, लघु अंडमान है और कार निकोबार, उनके बीच में 10 डिग्री चैनल जो है गुजरता है, लघु अंडमान और कार निकोबार। ठीक, कार निकोबार और लघु अंडमान, चलिए हम एक बार देख ही लेते हैं ऊपर चल करके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लघु अंडमान और कार निकोबार, यहाँ पर देखिए कार निकोबार है। ठीक, यहाँ पर किन तरीके से आप लोग देखेंगे, कार निकोबार को दिखाया गया है, और यही है लघु अंडमान सबसे नीचे जो है, इसी को लघु अंडमान बोलते हैं। इसी के बीच में जो अंडमान सागर भी गुजरता है, और इस यहीं से होकर के वो जो लाइन है कितना डिग्री अक्षांश रेखा, चलिए देखते हैं, दिखाते हैं, उसमें फिगर भी दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक, 10 डिग्री चैनल जो है वहां से गुजरता है लघु अंडमान और कार निकोबार। इसी तरह के आप लोग फिगर में जरूर देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगा।
और हम अब मैप पे नहीं जाएंगे। तीसरे नंबर में हम लोग को मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना है, जो कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है किन के बीच में है। तो आप लोग बोलिएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, ठीक, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, और लक्षद्वीप तो पूरा का पूरा बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हम 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर में मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है, मालदीव आप लोग देखिएगा भारत के जो है, आप उसको बोलिए कि दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में आप लोग जरूर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा वह जो देश है या जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, और भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है उसको मन्नार की खाड़ी स्थित है, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य भी बोला जाता है, आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद आइए हम कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा के बारे में हम विशेष रूप से आगे की और जब भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे बोल रहे हैं अर्थात बताएंगे, उस समय आप लोगों को जरूर बताएंगे, ठीक है। कर्क रेखा में आप लोगों को फिगर के अनुसार यहाँ पे केवल हम राज्यों को डिनोट कर दिए हैं, आप लोग इतना जरूर देखिएगा। और कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से गुजरती है, यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो इस प्रकार है, गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के, मध्य प्रदेश से होकर के, छत्तीसगढ़ से होकर के, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। आइए एक बार हम मैप पे दिखा देते हैं, आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। यहाँ पर देखिए कि किन किन राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, ठीक, गुजरात से शुरू होकर के गुजरात राजस्थान में भी प्रवेश करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश बीचों बीच से गुजरता है, गुजरात राजस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या है त्रिपुरा तथा मिजोरम। कितने राज्य हो गए, गुजरात 1 हुआ, राजस्थान 2 हुआ, 3 में आपको मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5वां हुआ झारखंड, 6ठा हुआ पश्चिम बंगाल और 7वां हुआ त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, आप लोगों को दिखाई दिए, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा तथा मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। उसके बाद भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, अर्थात भारत का जो समुद्र में कहाँ तक उसका क्षेत्र पड़ता है समुद्र के इलाका में, आप लोग देखे हुए कि भारत की आकृति तो नीचे से आप लोगों को सारी पता ही है, नीचे की ओर जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ही भाग एक तरफ अगर भारत के नक्शे के दाहिने तरफ देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, और बाएं तरफ देखा जाए तो कौन है अरब सागर है, ठीक। अब इनमें कहाँ कहाँ तक भारत के जो क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो क्षेत्र हैं वे कौन कौन से कहाँ कहाँ तक आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है। अब आधार रेखा क्या होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं, एक फिगर बनाए हुए हैं, और 12 समुद्री मील दूरी तक, 12 समुद्री मील दूरी, समुद्री मील 12, एक समुद्री मील बराबर 1.8 अर्थात 1.8 किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, तो 12 समुद्री मील बराबर आप लोग 1.8 × 12 कीजिए, जितना आएगा उतना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस फिगर को जरा गौर से देखिएगा तथा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें हम टोटल चीज को बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए कि भारत की जो आकृति है ये तो पूरा यहाँ पर प्लेन तो होगी नहीं ऐसे कि ऐसे, तो पूरा यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ापन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करके होगी, तो यही लाइन को एक एक काल्पनिक लाइन जो होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है, इसी को सपोर्ट टच करते हुए आपको हम डॉट डॉट के लाइन से यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आसानी से आप लोगों को दिखाएं, उसी को आधार रेखा कहते हैं, यहाँ पर हम आधार रेखा दिखा दिए हैं, आप लोग फिगर बनाइएगा। तो ये भारत का निचला सिरा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, इधर जो है अरब सागर है, अरब सागर पश्चिम बंगाल, ठीक, यहाँ पे आधार रेखा। तो आधार रेखा से क्या होता है कि 24 समुद्री मील दूर, आधार रेखा से कितना 24 समुद्री मील दूर जो है वह वहाँ संलग्न क्षेत्र होता है, उसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, आधार रेखा से लेकर के 24 समुद्री मील की दूरी तक जो होता है, 24 समुद्री मील, यहाँ पे भी 24 समुद्री मील हम दिखाए हैं, यह जो होता है इसको हम बोलते हैं
संलग्न क्षेत्र, और यहाँ से आधार रेखा से लेकर के 200 समुद्री मील दूरी तक जो होता है इसको हम बोलते हैं किस चीज के नाम से जानते हैं इसको, तो ये तो संलग्न क्षेत्र था। और इसको हम लोग देखते हैं आगे, इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर हम इसको दिखाना भूल गए हैं, संलग्न के क्षेत्र के ऊपर जो होता है वो उच्च सागर कहलाता है। ठीक, संलग्न क्षेत्र के ऊपर क्या होता है, यह जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यह संलग्न क्षेत्र के बाद का जो एरिया है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आप लोग इसको लिखिएगा, यह जो रेखा है इसको आप लोग लिख लीजिएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको अनन्य, यहाँ पर जो है हम तो संलग्न क्षेत्र यहाँ पर लिख चुके हैं लेकिन यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र हम लिखना है यहाँ पर छोड़ दिए हैं। आप लोग इसको लिखिए एक बार यहीं पर करके साइड में, इसको जब फिगर बनाइएगा तो लिखिएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जो बाहर का क्षेत्र होता है यहाँ पे हम दिखाए हैं एरो के निशान से, यह सारा जो है उच्च सागर कहलाता है। ठीक है, अब इन चीजों के बारे में कौन कौन सी चीज क्या क्या है इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार इस फिगर को पूरा देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे दिखा दिए, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.8 किलोमीटर, कितना होता है 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर और 800 मीटर। ठीक, एक समुद्री मील बराबर नॉटिकल माइल बोलते हैं। आइए अब लोग देखते हैं कि संलग्न क्षेत्र कहते हैं, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर होता है। सबसे पहले आप लोग एक तरफ फिगर देख लीजिए अच्छे तरीके से, इंडिया है, भारत है, उसके नीचे को समुद्री इलाका को दिखाया गया है। आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, इस रेखा को हम लिखना भूल गए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप लोग यहाँ इसको तो हम लिख चुके हैं संलग्न क्षेत्र, इसको आप लोग लिखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहीं पे लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक, देखने में, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जो बाहर का भाग होता है वो उच्च सागर कहलाता है। ठीक, इस फिगर से आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, हमको तो लग रहा है। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है, यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, अर्थात इस क्षेत्र में के अंदर जो भी देश या जो भी राष्ट्र के कोई भी अगर जहाज, जहाजी बेड़ा या व्यापार के माध्यम से व्यापार का आवाजाही होता है तो यहाँ पर जो है भारत जो है सीमा शुल्क लेती है टैक्स के रूप में। ठीक, यह उसका क्षेत्र है, उधर से और कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह टैक्स वसूली कर सकता है और यहाँ पे जो है उसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक, संलग्न क्षेत्र में 24 समुद्री मील दूर है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है, जो आधार रेखा से कितना है 200 समुद्री मील तक है, यहाँ जो है भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है, अर्थात कोई रिसर्च करना है जो कि यहाँ पर अगर हम अपने स्थल भाग पे कर रहे हैं तो वहां से अगर देख रहे हैं कि जीवों के लिए हानिकारक है, कोई से हानिकारक गैस उत्सर्जित हो रहा है या विषैला कोई चीज, तो उसको तो हम यहाँ पे स्थल भाग पे नहीं ना कर पाएंगे। अगर कृषि योग्य भूमि भी क्या होता है कि प्रदूषित हो जाता है जिस कारण की उसकी उर्वरा शक्ति जो है ह्रास होती है, इस कारण इसको ले जाकर समुद्र में दूरगामी स्थल पर इसका परीक्षण किया जाता है, उसका अनुसंधान किया जाता है। तो इसलिए वहां पर जो है 200 समुद्री मील की दूरी के बाद से भारत जो जाएगा वहां पर कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान या कर सकते हैं, और वहां पर प्राकृतिक संसाधन के दोहन की भी छूट है। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों को जाकर के वहां पर दोहन कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पे कीजिएगा तो उसके समस्याएं भी बहुत सारी आ जाती है ना, जैसे कि प्रदूषण ही एक समस्या है। ठीक, अगला बात करते हैं उच्च सागर की। उच्च सागर तो आप लोग बता दिए हैं कि 200 समुद्री मील से बाहर का जो क्षेत्र होता है वो उच्च सागर कहलाता है। उच्च सागर जो है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, जहाँ सभी देशों के समान अधिकार, अर्थात अगर उस क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार में मिलते हैं या कोई अन्य खनिज संपदा मिल जाता है, ठीक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस तो भी तो मिलते हैं, तो अगर 200 नॉटिकल माइल के बाहर का क्षेत्र जो है अगर उधर मिलते हैं तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है, अर्थात उस पर समान रूप से सभी देशों का अधिकार होता है। उसके अंदर अगर कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ या कोई खनिज संपदा हुआ अगर मिलता है तो वह भारत का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक, एक समुद्री मील 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं, और कोई चीज उतना बताने वाला है नहीं। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश कैसे होता है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। भारत में विदेशी क्षेत्रों का जो समावेश है, इसमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ, जो इस प्रकार है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुई, हमारे देश की आजादी मिली, और उसके बाद फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन बहुत से क्षेत्र जो थे उन लोगों के अधीन थे, तो क्या हुआ उनको भारत में जो है मिला दिया गया, उनमें विलय कर दिया गया। तो पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन है, केबीसी जो है के कौन बनेगा करोड़पति, उस क्यूज में भी, उस प्रतियोगिता में भी ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसको लेकर के गोवा के बारे में पूछा गया था। तो इसमें दादर एवं नगर हवेली पहला जो है, दादर एवं नगर हवेली पुर्तगाल का अधिकार था। यह पूछा जाता है कि कौन शासक है, कौन देश के उपनिवेश वहां पर स्थापित है, दादर नगर हवेली में कौन है, तो वहां पर पुर्तगाल था, दमन एवं दीव
वहां पे भी पुर्तगाल था और गोवा में भी पुर्तगाल था। ठीक, गोवा में पुर्तगाल ही था, आए थे सब सर्वप्रथम पुर्तगाली ही तो आए थे। तो यहाँ पे देखिए कि दादर नगर गोवा को आपको पता होगा, आप लोग इसको देखिए, गोवा कहाँ है आप लोग बताइए। गोवा जो है कहाँ पर है, केरल है और कर्नाटक है, उसके मध्य में देखिए आपको गोवा मिलेगा। दमन और दीव और दादर नगर हवेली की बात करें तो इसके लिए आप लोग जाइए, आप लोग गुजरात के इर्द गिर्द खोजिए, आपको जरूर मिलेगा, गुजरात में ही मिलेगा। और फ्रांस के अधीन क्षेत्र जो है इसको हम लोग देते हैं, फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे यह जो सारे दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, और खास करके यह जो है पांडिचेरी है, यहाँ पर चंदेरन गोर है, यहाँ पर कराईकल तमिलनाडु पड़ता है, माहे माहे कहाँ पड़ता है, आपको केरल में पड़ता है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चंदेरन गोर भी आप लोग देखिए दक्षिण भारत का ही एक जिला है, आप लोग देखिए। और मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। यहाँ पे हम एक चीज को डिनोट करके बता दिए हैं, मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। इसमें हम संविधान में जब आपको पढ़ाएंगे तब तो प्रत्येक राज्य की कब स्थापना की गई थी, कब उसका निर्माण हुआ, कब उनका पुनर्गठन हुआ, गठित हुआ वो राज्य, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब प्रमुख तथ्य कुछ हम बताए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको करके देख लेते हैं, 15-16 पॉइंट है, इसको देख लीजिए। भारत का पहले पॉइंट को देखते हैं कि भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा वह त्रिपुरा है, ये पूछा गया है। दो नंबर पर देखते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि भारत पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो जम्मू कश्मीर की है। पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा जो है सबसे लंबी है, तो जम्मू कश्मीर 1225 किलोमीटर है। उसके बाद चौथे पॉइंट को देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है, भारतीय उपमहाद्वीप अगर कहा जाए, आपको शुरू में ही बताएंगे हम कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि इसकी विशालता बहुत ज्यादा है, तो विशालता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत ही देश शामिल नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है इसको थोड़ा देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, यह पांच देश शामिल है, इसको पूछा गया है और इसको आप लोग देखिएगा, इस यह जो है प्रश्न पूछा गया है इसमें से भी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ पर, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा इंदिरा पॉइंट जो है वह जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, छठे पॉइंट को देखें तो भारतीय राज्यों की संख्या जो है पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं, मतलब कि भारत के कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं, तो 17 राज्य हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग मैप उठा करके देखिए कि वास्तव में 17 है भी या नहीं, आप लोग जरूर देखिए मैप में। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रम से कितना है, अब आप लोग देखिएगा कि ऊपर में हम आपको दूसरा ही बताए हैं और यहाँ पे हम दूसरा बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर अक्षांश जो बताए थे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट वहाँ पे अंतर हम इसको दिखाए हैं। ठीक, यहाँ पर अक्षांशों का अंतर दिखा दिए हैं आप लोग, देशांतर मतलब कितना देशांतर तक फैला हुआ है, वहां पर तो हम दिखाए थे कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक, अर्थात यहाँ पर अगर देखें यहाँ से 2 से लेकर के यहाँ से 4 है, तो इसके बीच का अगर यहाँ पर अगर यहाँ से अगर कहें 2 से लेकर के 4 है, 2 से लेकर के 4, तो इसका अंतर कितना है, 3 और 4 दो ही ना है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना 2 है इसका परिमाण। तो उसी तरह प्रकार से यहाँ पर है इसका हम लोग यहाँ पर दिखाएगा भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, आप लोग इसको घटाइएगा जरूर आएगा, ये मैथमेटिक्स टर्म है, आप लोगों को जानना होगा तो बताइए, हम बता देंगे अलग से भी। तो अगर 8 नंबर में देखते हैं पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से भी, केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित है, माहे केरल कराईकल तमिलनाडु यनम आंध्र प्रदेश, देखिए कितना क्षेत्र शामिल है। पांडिचेरी की जब भी बात की जाए तो देखिए पांडिचेरी ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 3 राज्यों में इसका क्षेत्र पड़ता है, केरल में भी पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं और केबीसी में भी पूछे गए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर मरकत द्वीप की, जिसको कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किन नाम से जाना जाता है, तो मरकत द्वीप के नाम से, एमराल्ड आइलैंड के नाम से, आप लोग इसको भी देखिए। अब हम बात करते हैं 10 नंबर, भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितना है, 29। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में राज्यों की संख्या जो है 29 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। 11 में बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती, भारत के कौन से ऐसे पूर्वोत्तर राज्य पूर्व में स्थित आप लोगों को पता है, वहां पे है नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्य ऐसे हैं जो कि उन बांग्लादेश की सीमा से साझा नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। उसके बाद 12 नंबर में देखते हैं मैकमोहन रेखा जो चीन और भारत के किस राज्य के बीच है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो रहनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि बड़ी चीजों को पढ़ने के लिए छोटी छोटी बेसिक्स चीजों को जो है जो आधार जो बनते हैं ना
अर्थात ऐसे भी कहा जाता है कि कमजोर नींव पर, कमजोर आधार पर बहुमंजिल इमारतें खड़ी नहीं की जा सकती। यही सब जो है, समझिए कि ये वर्ड है, अक्षर, अक्षर से ही शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों से वाक्यों के, और वाक्यों से ही क्या होता है, साहित्य, बड़े बड़े साहित्य की रचना की जाती है। उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है भूगोल के जो है आधार है। इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। 14 में देखते हैं, पूरे भारत का अक्षांश विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। आप लोग बताएं, इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 4 मिनट है। अब यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नहीं कहेंगे, वहां से हम लेते थे कन्याकुमारी से लेकर के, लेकिन यहाँ से हम लेंगे इंदिरा पॉइंट से। यहीं पर पूरा पूरे भारत का अक्षांश अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सहित और शामिल किया जाता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 15 की बात करते हैं, भारत के शीर्ष से 5 तटरेखा वाले राज्य जो है क्रमशः है, कौन कौन से 5 शीर्ष सबसे अधिक तट वाले राज्य हैं, और शीर्ष ऊपर से नीचे की हम आएंगे, ठीक, यानी कि घटते क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा है यह है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और केरल, ठीक। 16 में बात करते हैं, तो नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है, नेपाल, नेपाल जो है, नेपाल, चीन, और नेपाल है, भूटान है, चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सिक्किम, यहाँ पे हम मिस कर गए हैं, लेकिन आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि नोट्स आप बना रहे हैं तो हम तो छोड़ना नहीं चाहेंगे ना, यहाँ पे हम मिस कर गए हैं लिखना। तो आप 16 में क्या लिखिएगा कि नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से है, तो मात्र एक ही राज्य है, और वो भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देखिए, ये जितने भी चीज हम पॉइंट बनाए हैं ना, ये सारे पूछा ही गया है, तो यह है सिक्किम, कौन सा राज्य है, सिक्किम, सिक्किम लिख लीजिएगा यहाँ पर। और बस अगले वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर को लेकर के भूगोल के, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, जिनको भी आवश्यकता है, हम उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं जिनको की जरूरत ही नहीं है, जरूरतमंद को ही, आपको अगर अच्छा लगता है तो भी बनाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही आपके और मेरे संबंध मधुर बने रहें, हम यही कामना करते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।